यूपी पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बदमाशों का सफाया कर रही है। मेरठ और बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एक बदमाश ढेर हो गया। मेरठ पुलिस ने बताया कि शताब्दी नगर के बदमाश हसीन मोटा अपने साथियों के साथ लूट करने जा रहा था, तभी उनकी घेराबंदी कर सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया। वहीं मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस भलवा चौकी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, उसमें बैठे बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश शमीम मारा गया। देखिए, एक रोड रॉबर था, उसकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि अपने गैंग के साथ से मुजफ्फरनगर एरिया में वो कोई बड़ी लूट की वारदात करने वाला है, और ये इसके पहले दिल्ली पुलिस से भी वांटेड चल रहा था, वहाँ से 50,000 रुपये का इनाम था, और ये हमारे यहाँ से भी डकैती और हत्या के प्रयास में वांटेड और 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था। तो उस पर इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट किया गया था। आज डेफिनेट इनपुट प्राप्त हुआ कि जानसठ एरिया में ये अभी वारदात देने के लिए अपने गैंग के साथ एक स्विफ्ट गाड़ी का एक नंबर फ्लैश हुआ, जिस पर कि ये वारदात करने वाला है। इस सूचना पर यहाँ पर टीम चेकिंग पर लगी हुई थी, उसी पर से जब स्पॉट किया गया तो फायर करके भागा, और फिर उसके बाद उसको चेज किया गया। उस चेज में एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश की गोली लगी। मुजफ्फरनगर में मारे गए बदमाश पर दिल्ली और यूपी सरकार ने 1 लाख का इनाम रखा था। इन बदमाशों के मारे जाने से जनता और पुलिस को थोड़ा सुकून तो जरूर मिला है। मेरठ से आदिल और मुजफ्फरनगर से फल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।